तो so, आपके फादर बहुत पहले जी आई वाज 9 व्हेन ही पास अवे एंड अम्मी पास अवे लाइक इस साल नवंबर को में उनकी फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी और मुझे तो लगता है कि अभी कल हुआ है आई नो या बहुत ये, मुझे लगता है ये तो एक ऐसी चीज होती है आप कभी Forever. भी यू यू कैन नॉट गेट ओवर इट इन हर मोमेंट पे हर बड़े दिन पे हर इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ यू विल रिमेंबर और नवंबर दिसंबर जरा भारी होते हैं बिकॉज़ थर्टियथ नवंबर को मामा और फर्स्ट दिसंबर को oh. अबू सो इट्स जस्ट बट यू वही चीज़ ना कि इट डजन गो अवे बट वी लर्न हाउ टू कैरी ऑन विद आउट ग्रीफ ये ये इंसान की अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि मगर राबें मुझे what? समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं ना कि नहीं उनकी यादें जिंदा जिंदाएँ यादें ज़्यादा पेनफुल होती yes. हैं yes. कि yes. मुझे लगता है कि यू नो मैं नॉर्मल हूँ मैं दुआएँ डेली दुआ अम्मी hmm. मामा और अबू के लिए पढ़ती हूँ मगर मुझे लगता है कि जब मैं याद में जाती हूँ ना वो एक डाउनवर्ड स्पायरल है कि जितनी हैप्पी याद होगी इट ऑलवेज कम्स बैक टू शी इज़ गॉन फॉर एवर नाव आई विल बी लाइक क्यामत पे मिलेंगे उनके नाम से सो बस ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली आप सही कह कहिए मुझे मैं भी यादों का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ uh, जी मुझे uh, लगता है यादों पे जाना पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको फिर वो चीज़ चाहिए होती है ना आप याद करते हैं कि आ, ये और वो जो रियलिटी चेक है ना कि जी बस इस जिंदगी में इतना ही मिलना था yeah. वो बहुत तकलीफ थी बट यू फील लाइक कि हम ये जो मैं और आप बात करी हमारा ये वो एटीट्यूड है कि हमने एक तरह से हम डिनाइल में या हमने एक तरह से वो हम कह रहे हैं अच्छा हमने इस साइड पर देखना ही नहीं है सो लेट जस्ट कीप मूविंग ऑन जिंदगी में आगे चलते रहो ताकि हमें पेन तकलीफ नहीं हो फिर टाइम हील्स आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है देखो आपसे बात कर कर आई कैन जस्ट शेयर मगर जो आपको सुकून मिलता है सजदे में और अल्लाह मियाँ से उनसे बात करें कि अच्छा मामा की रूह को कहें क्या आई मिस है और मतलब जो भी हो वो अल्लाह के थ्रू और सजने में बहुत सुकून है तो मुझे ये फील होता है लाइक माय फ्रेंड्स कंप्लेन कि यू डोंट शेयर लाइक योर वारीज़ एंड वटैबर मैं छोटी छोटी स्टूपर बातें बोल दूंगी बिकॉज आई फील कि द ओनली पर्सन हु कैन डू इज़ इज़ अल्लाह तो उनके साथ तो कॉन्स्टेंट ट कॉन्वर्सेशन उनके साथ चल रही होती है अल्लाह ताला के साथ जी क्या बात करती हैं सबसे बस हर वक्त शुक्र भी कर रही होती हूँ माफ़ी भी मांग रही होती हूँ फिर मैं दिमाग में कह रही थी अच्छा ये ये है अच्छा ये वो और फिर दुआएं दुआओं के थ्रू के अच्छा सुने ना <laughs> तो उस तरह से हाँ। तो ये वैसे आपकी दोस्तों ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यूज भी सुन रही थी तो कोई आपसे बड़ा उस वाला सवाल पूछता था ना जिस पर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो सकती है या जिसपे कोई स्पाइसी बात हो सकती है आप ना उसको बिल्कुल ऐसा ट्विस्ट देती नहीं चाय पानी चॉकलेट यू नो ये हरा भरा गार्डन तो ये मुझे लगा उधर भी के मैकेनिज्म शायद वो है आपका yeah, ये यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट नो बिकॉज द थिंग इज़ के फॉर no रेटिंग्स no, uh, या मतलब के फॉर एनीथिंग हमारे इमोशंस और जो मैं फ़ील करती हूँ वो बहुत फ्रेशस और बहुत वैल्यूबल है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है आई डोंट वॉन्टेड टू दिस माई फीलिंग्स आर नॉट इंस्टा इट्स नॉट सोशल मीडिया सो इसलिए हाँ तो दीवार है खड़ी भी जैनब ओके हुई और जैनब जैनब इज इमोशनल ओवर ओके आई डोंट हैव पर्सनालिटी

इंस्पायर करें, inspire करें yeah. उनको शाइनी हैप्पी बातें करें mm -hmm. कि जो डाउन होकर यूट्यूब पे देख रहा है ये वो ये ना कि ओ माय गॉड और वो भी अपने डाउनवर्ड में नो यू हैव टू जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड यू जब आप शुरू होते हैं ना कि ग्रेटफुल क्या आई एम हैप्पी फॉर दिस कॉफी मैं ये सीख के आपसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी जिंदगी में सीरियसली मैं बता yeah. रही हूँ मुझे वो बात इतनी

क्रिएट्स और मुझे मैं उस वक्त सोची थी मैं डेंटिस्ट्री करूँगी तो उसके लिए एफ चाहिए था और मैं चूँकि कराची में कॉन्वेंट ऑफ जीजस मेरी की स्टूडेंट रही हूँ जिंदगी भर और द ओनली आल्टरनेटिव आई लव यू आमो एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स हु एक्चुअली वेंट टू सेंट फ्रेंड्सलीजेस बट आई डेंट नो यू एट दैट टाइम तो वो सेंट जोजेस द ओनली अदर कॉलेज तो मैंने कहा ये मैं अपने चीफ राइवल कॉलेज में तो नहीं जाऊँगी मैं शहर ही छोड़ दूंगी जज्बा था

<laughs> अच्छा उसके बाद उन्होंने जो एफ की वो जो जो दिखाया ना कि क्या क्या चीज़ें तो मैं कहा अच्छा उस वक्त मैंने मामा को कुछ नहीं कहा क्योंकि <laughs> मैं तो लेकर आई हूँ अब क्या बोल सकती हूँ परसेंट केमिस्ट्री बायो मैथ अच्छा एंड बट इफ़ यू वॉन्ट एफ आर परफेक्ट फॉर एफ ए आई से डन आई से गेस मामा मुझे देख रही है कि मतलब डेंटिस्ट्री ये वो आई से येस

लाहौर बस फैबुलस सारी पार्टी वहाँ की जब हम बड़े हो गए कॉलेज yeah. कॉलेज uh, uh, के फ्रेंड्स का एक ही अलग होता है yeah. uh, वो सब कुछ किया लेकिन uh, जब कराची में काम किया ना कराची की एक पल्स है yeah. और एक वाइब uh, है Yeah. कि हाँ हाँ मैं डबल शिफ्ट भी कर लूंगी और ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा लाहौर लैंड करते वक्त मैं सोचती अच्छा मामा को कहूंगी करी चावल <laughs> मतलब वो जोन में लाहौर इज लाइक चिल लाइक यू नो आप फूटर खाएं जो कराची में नहीं मिलते <laughs> आप हीटर के पास बैठे नहीं मिलते कहा मिलते हैं भाई अच्छा तो हाँ, तो तो ठीक हाँ, हाँ। हाँ। है बड़े अरसे से, लेकिन मुझे तो, फ्रूटे खाए मुझे पता है अच्छा आप मुझे कराची को आप ऐसे नहीं बोलिए मेरा भी कराची है आप बहुत अच्छी लग रही है आज आई लाइक राबिया दैट यू डू यू Do you know yeah. what I mean? No matter what the guest comes as, uh, and I love that you have a very distinct kind of uh, fashion sense and everything, and looking so nice, Masha'Allah. Thank you so much. Actually, उबाया थे जब यहाँ ही तो मैंने सोचा मैंने शरवान कभी इसकी नहीं पहनी और सुबह मैं सोची थी कि मैं ZQ से message करके पूछ लूँगी क्योंकि ZQ से तो ऐसी है तो बट अब चलोगे तो कहा मैं जाके चेंज करने वाली थी चीज नहीं नहीं तो बहुत अच्छी लग रही है वाकई अच्छा मुझे बताएं मॉडलिंग में आपकी पसंद और व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं पूछे की है भाई ठीक है लोकल बिल्कुल देसी बहुत अच्छी बात है मैं इसलिए कह रही हूं कि आई एम श्योर कि ये देख लेना मेरा नाम बदल देना अगर व्यूअर्स ना पूछे